दोस्तों यहाँ पे आज हमारे पास है आईफोन एस सी 2020। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे पास ये 256 GB वाला वेरिएंट मौजूद है। यहाँ पे आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि मेरे पास यहाँ पे वाइट कलर के अंदर मौजूद है। तो हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है हमेशा की तरह एप्पल ने इसकी पैकिंग जो है इतनी अच्छी की है कि आपको किसी कटर या नाइफ की ज़रूरत नहीं है। इसकी पन्नी आप आसानी के साथ उतार सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। सिल्वर कलर के अंदर हमारे पास वाइट आईफोन है ये। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एयरपॉड दिए हुए हैं। यहाँ पे USB 2 लाइटनिंग केबल दी हुई है। उसके बाद ये वही एप्पल का 5 वाट वाला पुराना चार्जर। उसके बाद हम इसकी पन्नी उतार के देख लेते हैं। इस दफ़ा एप्पल ने ये दोनों साइड लगा दी है पन्नी, क्योंकि इस दफ़ा ये आईफोन SE जो है हमारे पास दोनों साइड से ग्लास है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे दोनों तरफ पन्नी लगा दी है। यहाँ से अब हम इसको बूट करके देख लेते हैं। बूट होने के बाद देखें इसका वही इंटरफेस है पुराना, वही सारी एप्स हैं, वही इसकी पोजीशन दी हुई है, वही वॉलपेपर हैं, सब कुछ वैसा ही है पुराना जैसे कि एप्पल के पुराने आईफोन्स के अंदर होता था, बिल्कुल वैसा ही इन्होंने इसका भी इंटरफेस रखा है। बस ये आईफोन SE है। यहाँ पे बस इन्होंने iOS 13 की चिप डाल दी है जिसकी वजह से कुछ डिफरेंट है। उसके बाद एप्पल ने दफा आईफोन SE 3 कलर में निकाला है, रेड, व्हाइट और ब्लैक। और हमारे पास यहाँ पे व्हाइट कलर में मौजूद है जो कि 256 वाला वेरिएंट है। जैसा आप देख सकते हैं इसको फ्रंट से हम देख लेते हैं और बैक से भी आप देख सकते हैं। टच ID दी हुई है इन्होंने यहाँ पे। बैक पे इन्होंने लोगो सेंटर में कर दिया है आईफोन 11 की तरह। उसके अलावा यहाँ पे नीचे स्पीकर ग्रिल दी हुई है। ऊपर अगर हम कैमरे की बात यहाँ पे कर लेते हैं तो इन्होंने यहाँ पे कैमरा जो दिया हुआ है वो है 12 मेगापिक्सल का f1.28 अपर्चर के साथ सिंगल रेयर कैमरा। और यहाँ पे इन्होंने डबल टोन LED फ्लैश दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पावर बटन दिया हुआ है। अगर राइट साइड पे देख लें वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन है, वॉल्यूम स्विचर है जैसा कि आईफोन 8 में था। नीचे ये स्पीकर ग्रिल दी हुई है और लाइटनिंग पोर्ट दी हुई है जैसा कि हमेशा से आईफोन के अंदर होती है और आईफोन 8 में भी मौजूद है। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात कर लें तो यहाँ पे इन्होंने हमें 4.7 इंच का रेटिना डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि 326 DPI के साथ है। और अगर रेजोल्यूशन की बात कर लें तो इसका रेजोल्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 720p है। और अगर हम इसके फ्रंट कैमरे की बात करें आपसे तो यहाँ पे 7 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया हुआ है। और अगर टच ID देख लें यहाँ पे तो इन्होंने टच ID जो दी है, एक दफ़ा ये टच ID version 2 है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी कैमरे की बात करें तो कैमरे के वही पुराने फीचर्स हैं, पोर्ट्रेट मोड दिया हुआ है और वही सारे फीचर्स हैं जो कि आईफोन 8 और 11 प्रो के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल आईफोन प्रो वाला ही कैमरा है। सिंगल सिम ट्रे दी हुई है यहाँ पे इन्होंने, आप यही अपनी सिंगल सिम लगा सकते हैं। ऊपर वही पावर बटन है। टच ID देख लेते हैं यहाँ पे, आप टच करेंगे और यहाँ पे फौरन आपका आईफोन अनलॉक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टच ID है इस दफ़ा, क्योंकि टच ID वर्जन 2 है हमारे पास। उसके अलावा अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी बिल्कुल सिमिलर आईफोन 8 वाली है। 18 वाट तक की चार्जिंग सपोर्ट दी है, वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है इसके अंदर। उसके अलावा ये IP67 सर्टिफाइड भी है। और इसके अलावा 64, 128 और 256 वाले वेरियंट के अंदर मौजूद है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा महंगा है अभी। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या मशवरा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।